बड़े टूटने वाले अपनी मोरे ये खसमा करा चालू रहा। मेरा टूटन बड़ा दाऊ के करा। मैं तेरे टूटने में पाछ ठोक लूंगा। ओ मैं के बगाड़िया तेरा। अपनी मोरे खसमा तू गुंडा था राजनीति में की करता है। ओ मोदी ये रख लिया मिकी भी ते मैं के करना हा दाना पानी तो खाना या। बड़े टूटने वाले नसदा घटिया मुंह तेरा टूटने फाड़ना। ओ ना मेरी ये भाई ये मेरा के कसूर है मोलो तो पिछे पेई दी। आदाब जेकेएल में न्यूज में आप सबका स्वागत है। नाज़रीन मैं आपको बता दूं इस वक्त जहां हर दिन लोगों को परेशानियां बनती हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन जो जब तक उनका कोई हल करने वाला या उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला नहीं होता है तो हर इंसान परेशानी में डूबे रहते हैं। आज इस वक्त जो है जिस मेहमान के साथ हम बात करने जा रहे हैं अपने नाज़रीन को बता दें कि वो हैं एंचल कुमार जिनका ताल्लुक है बुरड़ी से आर ओ डुगन। ये डुगन के रहने वाले हैं, ब्लाक की और तहसील बनी है इनकी। इनकी मसला इनका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके नाम पर 1,00,000 और कुछ हजार जो है बिजली का बिल आया है, जिन इन्होंने अपना बिजली का कनेक्शन पहले काट करवा दिया था। और इनसे पूरी हम तफसील में बात करेंगे, खुद ही ये बताएंगे। इन सबसे पहले इनका स्वागत, जनाब आपका स्वागत है जेकेएल न्यूज में। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। जी 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 नमस्कार जी। सर ये बताएं कि आपका जो क्या मसला है, ये जो बिजली के बिल को लेकर आप जो चर्चा में इस वक्त सुर्खियों में है, आपका नाम आ रहा है, क्या है मसला इसे, पूरी हकीकत बताएं। सर हकीकत ये है कि मेरा जो बिजली का बिल था जी, मैंने एक डिस्पोजल यूनिट यहाँ स्टार्ट किया था तहसील बनी में जी, आज से 3 साल पहले। ठीक है सर, तो उसमें मेरा मैं जितना काम कर सकता था मैंने काम किया। ठीक है, और कुछ परेशानी की वजह से मेरा काम नहीं चल सका सर, और मैं उस बिजनेस को प्रॉपरली मतलब रन नहीं कर सका। 1 साल तक मेरा बिजनेस चलता रहा, तो बाद में वो कुछ परेशानी हो गई या मैं घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे सेल आउट करना पड़ा। जैसे मैंने सेल आउट किया, जब भी मतलब मुझे बिजली का बिल वगैरह आता था तो मैं उसको जमा करवाता रहा। ये सारा इश्यू जो है ये बिल के ऊपर है सर। तो जैसे इन्हें पर मंथ बिल देना है तो मैंने इनको वही बिल जाके डिपॉजिट करवाना है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि कुछ आपका मीटर लगाएंगे, आपका बिल निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन थी सर मैंने फॉलो की और उसके हिसाब से मैंने काम भी किया जी। तो लास्ट ईयर सर ये बात है अपनी 8/11/2017 की जी, जब मेरा डिस्पोजल यूनिट सेल हो गया तो मैंने तहसीलदार साहब बनी जाके एक एफिडेविट मार्क करवाया, और उस एफिडेविट में मेंशन करवाया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से मैं ये अपना डिस्पोजल यूनिट सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये अपना बिजली का बिल जो है मेरा कनेक्शन जो है सर प्लीज ये बंद किया जाए, क्योंकि अगर मेरा काम ही नहीं चलेगा तो कनेक्शन चलता रहेगा, कहाँ से पैसे दूंगा जी। तो सर जी आपके आवाज बीच में हम रोकते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आपको मतलब ये जो बिल है कब आया था, कितने साल पहले आया था, या आप मतलब कब से मतलब इधर माइग्रेशन आपने की है, यहाँ से कठुआ चले गए, या आपने बिजली का बिल बंद करवाया है, कितने टाइम के बाद? 8/11/2017, 3 साल हो गए हैं सर जी। आप बेसिकली रहते कहाँ हैं इस वक्त? मैं इस वक्त बिलावर में रहता हूँ, और मेरा जो आर ओ है वो बुलरी है, और ब्लॉक मेरा डुगुन तहसील बनी, मतलब मेरी जन्म स्थान बुलरी है, लेकिन वहां से मैं बिलावर आया हूँ, वहां हमने कुछ लैंड वगैरह परचेज की थी तो वहां ही रह रहा हूँ। तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया, मेरे घर पे कोई नोटिस नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपका ये बिल चल रहा है या कुछ भी है। अभी ऑन स्पॉट इन्होंने 3 साल के बाद जो है एक लाइन मैन कराता है और हमें बिल थमा देता है। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने जब बिल थमाया था तो वो एक काम करते, साथ में एक जहर की पुड़ी लेते आते, वो दे देते मुझे जी, क्योंकि इतने बदतर हालात हैं, समय कोरोना चल रहा है, एक एक रुपये के लिए अपनी फैमिली चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, इतना बिल कहाँ से दूंगा मैं, मेरा बिल है ही नहीं तो मैं दू क्यों। मैंने तहसीलदार साहब पे जाकर रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बंद करने का भी इनको हुक्म किया था कि इनका बिल बंद किया जाए, मैंने वो कागजात लेके इनके ऑफिस में जमा करवाए थे। अच्छा मुझे ये बताना काम क्या करते हैं आप? मैं इस समय सर जो काम मेरा है वो एक इंस्टीट्यूशन है मेरा बिलावर में जी, जी मैं उधर ही वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता सर जी। शादी शुदा है? शादी की आपने? जी जी बिल्कुल शादी शुदा है सर। कितने फैमिली? बस 2 ही है फैमिली में अभी सर जी।
जी जी अच्छा मुझे ये बताना है, ये फैमिली में जो आपके बड़े भाई हैं वगैरह के छोटे भाई जो आपको दिल्ली इधर बुलाया है बुरडी में आया है, जी, आपको इतला दी कि इस किस्म का मतलब बिल आपको आ गया है? ये हम एक लाइन मैन थे, वो हमारे घर आए और मेरे भैया को थमा दिया बिल कि ये आपका कोई बिल आया है। उनने मुझे कॉल किया, भैया आपका कोई बिल आया? मैंने बोला मेरा बिल भैया बंद हो गया, मैं बिल को बंद करवा चुका हूँ, उसके कागजात उसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास सब है, मैं इनके ऑफिस तक भी गया था पता करवाने के लिए। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे करते रहे। अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने खुद से क्या गपला किया हुआ है मिलजुल के, वो हमें नहीं सर पता है। ये डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार है और मेरी इनके डब्ल्यूई से भी कई बार बात हुई, जेई से बात हुई, तो उन्होंने एक दो ऐसे अफराद हैं जिनका नाम इन्वॉल्व किया बीच में। मैं कोशिश करूंगा जब आपसे नेक्स्ट कहीं मेरी टाक हो तो मैं वो भी इन्वॉल्व करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डिपार्टमेंट से जल्द से जल्द जो मेरा ये मसला क्रिएट हुआ है ये खुद से जैसे उन्हें सॉल्व करना है वैसे करें, क्योंकि मैं बिल नहीं दे सकता। मैंने एक ही बात बोली कि बिल की जगह जहर दे, हम फैमिली खा के मर जाएंगे पूरी, हम दे ही नहीं सकते बिल, देना कहाँ से इतना बिल। आखिर में मेरा आपसे सवाल है, मीडिया के मुताबिक क्या पैगाम रहेगा आपका? सर इस तरह के बिल, इस तरह की गलतियां डिपार्टमेंट, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये लोग डिपार्टमेंट के करते रहेंगे ठीक है, तो ये सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं जिनके इस तरह से बिल आए हैं। ये लोगों का पैसा जो है वो अपनी जेब में रखते हैं और आगे काम कोई नहीं करते हैं ठीक है। जो जो ने कोई मीटर के लिए पैसा लिया होता है, कोई कनेक्शन के लिए पैसा ले लिया होता है, जब बंद करवाना होता है हाँ जी दे दो, कोई बात नहीं, इनकी जेबें भर दो, आगे ये काम कुछ करते नहीं है। बाद में लोग जो है वो बेचारे कहाँ भटकते रहे, इतना दूर दराज एरिया है ये और यहाँ इतनी मुश्किल हमें होती है। अभी आप ही बताओ सर, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जी, मेरे मेरे पास कोई ऑप्शन अच्छा, नहीं जी, दिख रहा है। वक्त हमें इजाजत नहीं देता आपसे ज्यादा बातचीत करने के लिए, बाकी जो मसले आपके रहे हैं अगले वक्त में हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज़। धन्यवाद।